ये फंसी आपको अपनी एक्सीडेंट की स्टोरी सुनाने लगा तो पापा को लेने के बाद तू ही पाए जो सटल वो ताड़े पेपर तू ही पेपर नहीं देने अगे तेरे राती ना दिया तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है एहतिशाम और आप देख रहे हैं दी एहतिशाम शो। सुबह के तकरीबन साढ़े बारह बज चुके हैं और अभी मैं अपनी रात की रूटीन बताता हूँ। गाड़ी को पहले चला लें थोड़ा सा। अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस से, मैं एक थोड़ा सा काम जाना है, एक और भी काम जाना है। अभी मैं ऑफिस में हूँ और आज दो तीन काम कर रहे हैं। हाँ ये जी मेरा ऑफिस है, पहले भी आप लोगों को काफ़ी बार दिखाया है, और ये छोटा चिलर एसी। ये भी खाना आ चुका है, मैं ऑर्डर दे के आया था लड़के को, अभी वो दे गया, अब ये खाएंगे। और आज मार्केट में रश भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आज जुमेरात है और जुमेरात वाले दिन लोग परचेजिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए मार्केट में रश है। कोका कोला आ गया, फ़ोन कर दिया था, कोका कोला पहुंच गया, अब ये पियेंगे। सारा दिन बस यहाँ पर यही चीज़ें चलती रहती हैं। तो जी बोतल ज़ोर से नीचे मारी थी और ये आधी नीचे गिर गई है। तो टिशू के साथ साफ, टिशू बहुत बड़ा मैंने ले लिया था। खैर हाँ, तो भाई सुबह मैं आपको अपनी रूटीन बता रहा था लेकिन कुछ कॉल्स आ गई थी, उसी वजह से हमारी बात नहीं हो सकी थी। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि मैं रात को सोता हूँ तकरीबन 3 बजे सोता हूँ, मूवीज़ वगैरह देखता रहता हूँ या कॉमेडी वीडियोज़ देखता हूँ या फिर इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पे, बस टाइम गुजर जाता है, स्पेंड हो जाता है, निकल जाता है। 3 बज जाते हैं, 3 बजे सोता हूँ सुबह, नमाज़ के टाइम 5 बजे उठ जाता हूँ, नमाज़ पढ़ के दोबारा सो जाता हूँ, दोबारा सोने के बाद फिर मैं उठता हूँ तकरीबन 11:30-12 बजे। मोबाइल नीचे जा रहा था आस्ता आस्ता। अच्छा, तो उठने के बाद फिर आस्ता आस्ता करता हूँ, चाय वगैरह पीता हूँ, उसके बाद मैं ऑफ़िस आ जाता हूँ। ऑफ़िस जो है मेरा महर सादिक मार्केट डेली रोड पे है और मेरा ब्रांड जो है लाइट्स का ब्रांड है, और यहाँ पर काम हमारा कुछ ज़्यादा नहीं होता, यहाँ पर होल सेल की सारी दुकानें हैं, तो मिलों वगैरह को सप्लाई जाती है और ऑनलाइन ज़्यादा काम चलता है यहाँ पर ना हमारा, थोड़ा सा काम होता है। इसके बाद बस सारा दिन बैठे रहते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और जल्दी आपके सामने एक न्यू अच्छी वाली वीडियो आने वाली है, चैलेंजेस वीडियो वाली। सामान बंदे को बुक करवाने वो भिजवाने हैं, उसके बाद मैंने मोबाइल का स्टैंड लेने जाना है, मोबाइल फिर नीचे जा रहा है। अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, तकरीबन 5:30 बज चुके हैं। अभी मैंने एक पार्सल बुक करवाना है, उसके बाद फिर हमने घर से ले जाना है। अभी पार्सल बुक करवाने के लिए जा रहा हूँ, सो चलते हैं। तो ये वाला बोरा है जो रखना है गाड़ी के अंदर, और ये हज़ारों एक सिटी है, वहाँ पर वहाँ के लिए इसको बुक करवाना है। तो मैं एक गाड़ी में रख के आता हूँ, फिर आगे की ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। ये जी गाड़ी में आ गए हैं और ये नया लॉक लगवाया मैंने, ये अभी खोलते हैं। गाड़ी हो जाए स्टार्ट, ये जी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये जी बड़ी तंग गली है जहाँ से गाड़ी निकालनी है, जिस गली में मोड़ो रश। जी हमारा मेन रोड है जिसका नाम है रेलवे रोड, इसके बिल्कुल बैक साइड पे हमारी मार्केट है जिसका नाम है महर सादिक मार्केट। ज़्यादा रश है इधर, ये छोटी सी जगह बनी है, यहाँ पर मैं पार्किंग लगा रहा हूँ, मोबाइल स्टैंड लेना था वो लेने लगा हूँ अभी। आया है देखो, अभी स्टैंड लेने गया था और मैं ये क्या लेके आ गया, अब ये मैं डैशबोर्ड पे लगाता हूँ, फिर इसे ज़रा मोबाइल रखने की आसानी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर लगा दिया, आप देखते हैं ये कोई काम देता भी है या नहीं। ओहो उतर गया, इसे ज़रा दबा देते हैं थोड़ी देर के लिए और देखते हैं ये काम देता है या हमें मजाक ही है। और चलो चलो फ्रेंड में ले आया हूँ, पर यार ये मज़ा नहीं करवा रहा क्योंकि इसे सिर्फ फ्रेंड मैं तो नज़र आ रहा हूँ, लेकिन जब बैक कैमरा करता हूँ तो ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। शीशे के ऊपर लगाएंगे तो शीशे के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, सो मज़ा नहीं आया। एक और भी स्टैंड इसके साथ का लेना पड़ेगा जो ऐसे हाथ में पकड़ के जिससे ब्लॉगिंग कर सकें। वो अब कुछ इस तरह का सीन नज़र आया आगे से। गुड न्यूज़ है भाई, उसकी चिप जो थी वो ख़राब हो गई है, एक बार उतारने से वो ख़राब हो गई है। मैंने उतार के यहीं और लगाना था, लेकिन लगाने से पहले वो जो आप देख इस साइड पर जितने भी हैं सारे अड्डे हैं, ये काफ़ी दूर है मेरे दफ्तर से तकरीबन।
रात हो रही है, आस्ता आस्ता मगरिब की अजान हो चुकी हुई है और जहाँ पे मैं बुक करवाने गया था माल वो बुक नहीं हो सका क्योंकि 5-6 अड्डों से मैंने पता किया है वो मतलब कि वो जिस सिटी में जाना है वो भेजते ही नहीं है उस सिटी में। तो अब फिर कल पता चलेगा कहाँ से भिजवाना है। कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी और ये सैटरडे वाले संडे वाले दिन अब ये जा सकेगा पार्सल। तो अभी घर चलते हैं अब सीधा। बिल्कुल रात हो चुकी हुई है और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे सारा घंटाघर शहर है और ये इस साइड पे लंडा बाज़ार सारा लगता है और हम इस टाइम जा रहे हैं बिल्कुल सीधा। मोबाइल ज़्यादा रोशनी दिखा रहा है इस टाइम लेकिन वो रात चुकी हुई है इस टाइम। ये यार पता नहीं कौन सी सिटी थी जिसे मैं ढूंढते थक चुका हूँ। हज़ारू नाम बता रहा है, मैंने उसे पूछा भी है यार हज़ारू नहीं हज़ारा होगा, पर वो कह रहा है नहीं जी हज़ारू ही है। तो अब ये हज़ारू सिटी तो मुझे मिल नहीं रही है, कौन सी हज़ारू। मैंने गूगल पे भी सर्च कर लिया लेकिन हज़ारू सिटी कोई मिली नहीं मुझे हज़ारू सिटी। तो मैंने उसे कहा है कि यार हज़ारा होगा एक बार ज़रा चेक कर लो। कहता यार मैं यहाँ पर रहता हूँ मुझे नहीं पता। कहता हज़ारू सिटी है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर जिससे भी मैंने पूछा किसी को भी आपकी सिटी का नहीं पता चल रहा ये हज़ारू सिटी कौन सी है और कहाँ पर है। तो आज तो फिर ये मैं वैसे ही वापस ले आऊँ, कल वो मुझे एड्रेस बताएगा कि किस एड्रेस पे माल भेजना है तो फिर मैं उसे ना दोबारा किसी तरह करवा दूँगा। पर हाल आज तो मैं वापस जा रहा हूँ, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। और ये है जी अब्दुल्लापुर, ये एक अंडर पास है जिसे बनाते हुए तकरीबन 4 साल ख़त्म होने वाले हैं और अभी तक इनसे ये अंडर पास ठीक से नहीं बने। ये आ गया हमारा टाउन और ये है द पिज़्ज़ा गुरु। खड़क जाती है गाड़ी। ये जी बहजाद है, ये गाड़ी बाहर निकाल रहा है और मेरी गाड़ी आगे जाएगी, वो एलेंट्रा बाहर आएगी। जल्दी कर ले, पीछे ड्रामिंग कर रहा है। ये लो जी एसी बंद कर दिया है, ये गैराज के अंदर लगी हमारी गाड़ी। चल चल शौकिया बाहर निकलो, भाई लाओ निकलो शौकिया ना मारो। अस्सलाम वालेकुम। वो दवाई ना मिली नहीं, वो कह रहा था थोड़ी देर तक आ जाती फिर ले जाना। सो मैं घर आ चुका हूँ, सैंडविच खाने लगा हूँ और इसके बाद बस थोड़ी देर में सोच रहा हूँ सो जाऊँ। कर लेना जो लोग न्यू हैं वो लोग पुरानी वीडियोस भी देख लें और इंशाल्लाह कल का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, मज़े का होने वाला है क्योंकि कल मेरी पप्पो की बर्थडे है और बरका गुल भी आ रही है लाहौर से। तो कल का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, सुबह नाश्ता से लेकर रात सालगिरह तक आपको सारा व्लॉग दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये जो सामान लेके मैं जा रहा हूँ पप्पो लोगों के घर, आज बेजाद गाड़ी बाहर निकाल रहा है और मैं अपनी गाड़ी पर जाऊँगा रात उधर रहना है कल, क्योंकि वहाँ पर सारी तैयारी करनी है। मैं तो करने लगा था यहाँ पर ब्लॉग को एंड, लेकिन आज ही जाना पड़ा फूफो के घर, तो मैं सोचा ब्लॉग को यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। खाना वाना खा लिया मैंने और अभी बस कपड़े चेंज किए और मैं फूफो लोगों की तरफ निकल रहा हूँ। जी लैलपुर गैलरी, ये जी मदीना टाउन आ गया, यहाँ पर मेरी फूफो का घर है तो अभी मैं पहुँचने लगा हूँ। ये मेरे कज़न हैं दोनों और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर आइसक्रीम खाने। हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, मेरे साथ फसी है अरसलान है। और किस जगह पे जा रहे हैं हम लोग आइसक्रीम खाने? सत्याने रोड। सत्याने रोड पे? रोजनी रोड। रोड पे तो एक शुरू में भी बनी है दारी अरकम के पास, अभी मैं आते हुए देख रहा था स्वीट होम पता नहीं क्या लिखा हुआ था। इसे पूछ क्या वो उन कारपेट्स का क्या रेट? ये तो मर गया। और कल फूफो की बर्थडे है तो उसके लिए हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं। इसके पास यहीं पे ब्राउन कलर का एक मोटा कारपेट है, कुर्सियों का पता करने जा रहे हैं। 40 से ग्लास 50 लेने। अच्छा जाना देख, नीचे भी बैठना है कुर्सी भी लेनी है। नहीं नहीं वैसे उसका रेट पूछा मैं, कह ना कुर्सियां सस्ती हो। कुर्सी कितने की? 40 की एक कुर्सी। और वो कितने की बनती है फिर? 1600 की। कितनी कुर्सियाँ? 40 तो वो कुर्सियाँ ज़्यादा ठीक है मैं लग रहा, नीचे बैठने वाला ज़्यादा ठीक है।
ठीक तो है लेकिन वो पता नहीं नाना वगैरह के लिए घर की कुर्सियां नाना बोल हां वो तो मामू के लिए कुर्सियों के साथ टेबल का अच्छा डेकोरेशन बनता है हैं कुर्सियों के साथ टेबल नहीं होना टेबल अलग अलग से 1600 में टेबल नहीं बताया उसने ये कुर्सियों का बनाया बात सुन अच्छा ये फसी आपको अपनी एक्सीडेंट की स्टोरी सुनाने लगा थोड़ी सी फसी साहब क्या हुआ था कुछ दिन पहले चंद रोज पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था ईद के चौथे दिन तो ये उसकी स्टोरी सुनाने वाला हमें हाँ फसी क्या हुआ था मैं उमर गार्डन से आ गया था नेमत कॉलोनी थोड़ा ऊंची बोलो था उमर गार्डन से मैं आया नेमत कॉलोनी में अच्छा वहाँ से गली से मैं निकला मैंने दे दी बाइक की रेस अच्छा आगे यहाँ पे थी एक वैगन फुल रेस 40-50 थी यहाँ पे वैगन थी मेरे आगे जा रही थी उसने अचानक ब्रेक लगाई है मैं सामने से भाई आ रहा था वो भी बाइक पे था वो भी तेजी था अच्छा। भी, मेरी तो खैर था स्पीड स्लो हो गई थी ब्रेक लगा के अच्छा वो बजे एक दूसरे में और उसकी भी कलाबाजियाँ बजी मेरी भी कलाबाजियाँ मुझे ठा के दुकान वगैरह में ले गए फ्रेश नेस्ले नेस्लूटा पिलाया उसका बड़ा मजा आया हाँ खैबर बैक से अच्छा हाँ पिलाया उसके बाद वो कहता मेरे सांस नहीं आ रहा था अच्छा। वो सांस तो थोड़ी देर दुआया अच्छा। मैं लड़के के साथ बैठ के आगे घर फिर अच्छा। वो दूसरा भाई पता नहीं काबू कहाँ निकल गया वो कह रहा था डिस्पेंसरी लेके मैं घर आ गया वो क्या कहता डिस्पेंसरी लेके जाता हूँ अच्छा 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 मैं उसे कहा मुझे घर था अच्छा वो घर आया घर फिर मैं इसके साथ गया था आगे डॉक्टर के पास नहीं वो जब पीएसओ पे हुआ था वो भी बता पीएसओ पे वो कब हुआ पीएसओ के बम पे क्या हुआ है वो बता पापा उतरे गए पापा जंगी मेरे गाना कटी की आया सी हां की आया सी पापा को लेने गए पापा तो ही पाए जो सटल वो ताडे पेपर तू ही पेपर नहीं देने अगे तेरे रात ही दे या पढ़ाई इदा दी करदा तो पाए तू सटल आ के आ गया नहीं पापा को कौन लेने गया था हां वो पीएसओ के पंप पे खड़े थे ना पापा अच्छा मैं इसको दवाई ले के डॉक्टर के पास लेके जाने लगा तो पापा का फोन आया कि ना मुझे भी ले जाओ उधर अच्छा पापा को भी लेने चला गया अभी तो हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने बाकी फसी ने स्टोरी आपको सुनाई है ये हमारे साथ व्लॉग में आपको नजर आता रहा करेगा सिखा कैसी है ये तो आम ही लग रहा है बिल्कुल खा ले हम लोग आ चुके हैं घर सामने मेरी गाड़ी खड़ी है ये फसी दरवाज़ा खोल रहा है और अभी हमने मैंगो आइसक्रीम खानी है वो पिघल गई है काफ़ी टाइम लग गया हमें तो तो फसी हमें रिव्यू देगा आइसक्रीम अच्छा तूने नहीं खाई तेरी तूने खा ली मैंने खा ली आइसक्रीम बहुत ही मजे की थी और बहुत ही रियल टेस्ट था और नाम क्या था ब्रांड का फ्रोजन फीस्ट बड़ी अच्छी थी 70 रुपए की थी और मज़ा आया खा के आज के व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं कल फोफो की बर्थडे है वो सारा व्लॉग हम कवर करेंगे और अभी के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़